गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछली क्लास में हमने 1.4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी के अगले चरण में थोड़े और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो लिया जाए क्वेश्चन, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है अपने को कि एक्स एक प्राकृत संख्या है, पहला सेट है, और दूसरे सेट बी में एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, और तीसरे सेट सी में एक विषम प्राकृत संख्या और एक अभाज्य संख्या डी सेट। तो हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें लिखा है एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक जाती है। बी जिसमें लिखा है कि एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, एक्स एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। और आप जानते हैं सम संख्याएं प्राकृत वाली 2, 4, 6, 8 से लेकर अनंत तक होती है। यानी 2, 4, 6, 8 वाली संख्याएं अपन ले लें तो ये कौन सी होती है? सम प्राकृत संख्या। अब तीसरा सेट सी दिया है, जिसमें विषम प्राकृत संख्याएं बोली हुई। सी एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। इसका मतलब ये कौन से वाली है? 1, 3, 5, 7 अप टू इनफिनिट। और डी एक और सेट है, जिसे हमने कहा एक्स एक अभाज्य प्राकृत संख्या है। अभाज्य प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 up to 25। ये वो संख्याएं हैं जिनमें अभाज्य संख्या, समझते हैं ना, जिनके अंदर केवल या तो खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए, उन्हें अभाज्य संख्या हो। अब इसमें प्राकृत शब्द और जुड़ा है, इसलिए हमने शुरुआत 2 से की। केवल एक ऐसी सम संख्या अभाज्य कहलाती है, वो है 2, क्योंकि 2 में 1 और 2 के अलावा और किसी भी राशि का भाग नहीं जाता, इसलिए अपन इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्या पूछता है वो देखते हैं। हमें ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया, ए सर्वनिष्ठ बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख रहे हैं ए और बी ये सेट है, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक है। बी में लिखे हुआ है 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, और इसका इंटरसेक्शन लेना है 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट इसके साथ। तो आप देख रहे हैं कि यदि अपन इनका इंटरसेक्शन ले तो 2, 4, 6, 8 इसमें भी आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8 उसमें भी आ रहे हैं। तो इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उन संख्याओं को लिखना जो दोनों में पाई जाती है, और वो संख्याएं कौन से नजर आ रही हैं? 2, 4, 6, 8 इसमें भी हैं, 2, 4, 6, 8 इसमें भी है। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का मान अपन क्या देंगे? 2, 4, 6, 8, यानी कि अपना सेट बी पूरा, कंप्लीट सेट बी, क्योंकि ये वो संख्या है जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। ऐसे ही यदि अपन ने ए और सी का इंटरसेक्शन लिया होता, जैसे अभी अपन ए इंटरसेक्शन सी चाहते, तो आप जानते हैं ए और इंटरसेक्शन सी करें तो सी में क्या दे रखा है? 1, 3, 5, 7, और ए में क्या दे रखा है? 1, 2, 3, 4, 5।
इसका मतलब कॉमन कौन से है? कॉमन इसमें 1, 3, 5, 7 इसमें भी आ रहे हैं और 1, 3, 5, 7 इसमें भी आ रहे हैं, तो खुद पूरा सेट सी इनके अंदर कॉमन आ जाएगा। 1, 3, 5, 7 वाला जो सेट है यही कॉमन आ जाएगा, सी सेट। तो ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन अपन देख रहे हैं तो वो सी आ रहा है। तो दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है और उनका फिर इंटरसेक्शन ले तो वो छोटे वाला सेट इंटरसेक्शन कहलाएगा उन दोनों का। तो ये इसका तरीका होता है, यानी अपन ने यहां पर ये क्वेश्चन में इसमें ये चीज सीखी है। अब जो अपना अगला प्रश्न है वो डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय से जुड़ा हुआ है। पहले तो असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। असंयुक्त समुच्चय वे होते हैं जिनका इंटरसेक्शन ले यानी सर्वनिष्ठ ले तो फाई आए, यानी दो सेट अपने पास ऐसे हों जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वो एक दूसरे के लिए डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। अब यहां पर जो अपना अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का एट वो इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, पहला सेट है 1, 2, 3, 4 फर्स्ट ले रहे हैं का 1, 2, 3, 4 ये दिया हुआ है। और दूसरा सेट भी अपन देखें तो उसमें दे रखा है अपने को x एक प्राकृत संख्या है जो 4 और 6 के बीच में आ रही है, बी है x जहां x जो है 4 और 6 के बीच में है और x अवयव है प्राकृत संख्याओं का। अब आप जानते हैं प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 से अनंत तक जाती, तो ये अवयव उन्हीं में से चुनने हैं आपने, यानी x में कौन से मिल गए 4, 5 और 6 सिर्फ 3। ये b सेट है, a सेट में क्या दिख रहा है 1, 2, 3, 4। अब जरा अपन इनका इंटरसेक्शन लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये चेक करते हैं क्या आता है। ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और बी की वैल्यू है 4, 5, 6। ये दो सेट हमारे को दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई ऐसा अवयव है जो इस सेट में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और वो है 4, दोनों में दिखाई दे रहा है। इसलिए अपन कहेंगे इसके इंटरसेक्शन में एक अवयव है 4, तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं बना, यानी इट इज नॉट इक्वल टू 5, रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है। और यदि एक रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि ये असंयुक्त समुच्चय भी नहीं है, असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त होने के लिए क्या शर्त चाहिए थी, यहां 5 यानी रिक्त समुच्चय आ जाना चाहिए था जो नहीं आया, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेट ए और बी डिसजॉइंट यानी असंयुक्त समुच्चय नहीं। जबकि इसी के दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करें जिसमें ए सेट दिया हुआ है, सेकंड जो अपन है इसको कंसिडर करें तो ए सेट दिया हुआ है सम पूर्णांक। आप जानते हैं सम पूर्णांक कौन से होते हैं, -4, -2, 0, 2, 4, 6 ये सम पूर्णांक, और विषम पूर्णांक कौन से होते हैं, बी सेट, माइनस अनंत से ये आते हैं -5, -3, -1 ये 1, 2, 3, 5 से लेकर अनंत। तो अपन क्या देख रहे हैं, क्या इन दोनों में यदि इनका इंटरसेक्शन अपन लें तो क्या इन दोनों में कोई ऐसा अवयव है जो ए सेट में भी है और बी में भी है, संभव ही नहीं, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं ये विषम संख्याएं हैं, दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, तो इनमें कुछ कॉमन आने का तो प्रश्न ही नहीं होता। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो इनका इंटरसेक्शन अपन देखेंगे तो वो आएगा 5, और यदि इनका इंटरसेक्शन 5 है तो ये असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं।
ऐसे हैं तो क्यों बने ये, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि इनमें कुछ कॉमन होता तो अपन ये बोल देते कि ये असंयुक्त नहीं है, लेकिन अभी हैं क्योंकि इनमें एक भी अवयव ऐसा नहीं जो दोनों समुच्चयों में नजर आ रहा, इसलिए अपन ने डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब अपन अगली जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अंतर समुच्चय, डिफरेंस सेट। अंतर समुच्चय का सेंस ये होता है जैसे अपने पास दो सेट है ए और बी, और उनका अंतर यानी डिफरेंस निकालने का मतलब है ए समुच्चय के बचे हुए वो अवयव जो बी में नहीं आते उनको अपन कहते हैं ए माइनस बी, यानी ए और बी का अंतर समुच्चय। जो पहले स्थान पर लिखा हुआ है उसी के अवयव में इसमें नहीं काउंट करने, यानी हो सकता है जो इसमें है वो इसमें ना हो लेकिन उन्हें शामिल नहीं करना, शामिल केवल किनको करना है जो ए में आ रहे हैं लेकिन बी में नहीं आ रहे। जैसे भी आपका 9th क्वेश्चन है ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है उसमें ए सेट क्या है बी सेट क्या है, अपन जरा ए को लिख लेते हैं यहाँ 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। इसमें से माइनस करना है यानी उसका अंतर समुच्चय लेना है बी का, यानी 4, 8, 12, 16 और 20। अब अपन इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसमें कौन से ऐसे अवयव हैं जो यहां नहीं आते, 12 इसमें है 12 इसमें, इसके अलावा जो बाकी के अवयव हैं वो यहां तो हैं वहां नहीं। इसका मतलब ए माइनस बी अपन निकालेंगे तो हमारा 3, 6, 9, 15, 18 और 21। जबकि यदि मैंने बी माइनस ए किया होता बी में से ए को माइनस, तो मैं बी के वो अवयव चुनता जो ए में नहीं है, यानी बी में जैसे है 4, 8, 12, 16 और 20, इसमें से हटा रहे हैं अपन 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 21, तो वही 12 को छोड़कर बाकी कौन से बच गए 4, 8, 16, 20, ये कहलाएगा बी माइनस। ये इसका मतलब है अंतर समुच्चय का। तो अंतर समुच्चय निकालना हो तो क्या हमें समझना पड़ता है कि इस पहले वाले सेट के उन अवयवों का समुच्चय जो अवयव बी में नहीं आ रहे हैं उनका एक अलग से समुच्चय बना दीजिए, उसी को अपन ए माइनस बी कहते हैं। तो यहां इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। ए माइनस बी पूछा गया तो उसका जवाब तो ये है पहला, ये तो फर्स्ट का जवाब। इसके बाद हमसे बी माइनस ए भी पूछा गया था तो ये फोर्थ का जवाब दिया मैंने, ये फोर्थ क्वेश्चन का जवाब है बी माइनस ए निकालना। इसी के अंदर अपने से जैसे डी माइनस ए ए माइनस सी ये भी पूछे गए हैं, तो जरा मैं इसका सेकंड वाला पहले यहां दिखाता हूं आपको। सेकंड सी माइनस ए की बात कर रहा है या ये ए माइनस सी की बात कर रहा है, ए के अवयव 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, इसमें से हटाना है सी 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो यहां अपन देखें कौन कौन से अवयव हट रहे हैं अपने पास से। देखिए 6 इसमें है 6 को छोड़ दीजिए, 12 इसमें है 12 को छोड़ दीजिए, और कोई सा अवयव जो इसमें है और उसमें भी है ऐसा कोई नहीं, तो फिर अपने पास बच रहे हैं 3, 9, 15, 18 और 21। ये अवयव ए माइनस सी के हो गए, यानी सेकंड क्वेश्चन इस तरह से करना है। तो बाकी के जो हैं इसमें वो भी इसी तरह से करने हैं कि पहले समुच्चय के उन अवयवों को लिख दीजिए जो दूसरे समुच्चय में नहीं आ रहे, इसी को अपन कहते हैं अंतर समुच्चय। तो दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय बनाना हो तो पहले स्थान पर आने वाले उन
अवयवों का समुच्चय बना लीजिए जो दूसरे समुच्चय में यानी सेट में नहीं पाए जाते। ये चीज मतलब होती है ए माइनस बी या अंतर समुच्चय। अब जैसे और अपन इसके क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें अंतर समुच्चय से ही रिगार्डिंग, जैसे अभी अपन लेते हैं इसी का 11वां क्वेश्चन। हमारे पास उसमें दो सेट दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? एक है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R और दूसरा है परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q। R जो है वो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इन द सेंस इसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों है। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती, जबकि अपना जो क्यू सेट है वो सिर्फ परिमेय संख्याओं को बता रहा है। यानी इसमें केवल परिमेय संख्या है। अब आपसे पूछा गया R माइनस क्यू क्या होगा, तो अंतर समुच्चय की अभी हमने परिभाषा क्या समझी थी? अंतर समुच्चय में यह बताता है कि पहले स्थान पर आने वाले समुच्चय में से उन अवयवों को छांट लीजिए जो दूसरे समुच्चय में उपस्थित नहीं है, और उनका अपन एक सेट बना लेते हैं, उसको कहते हैं इन दोनों का अंतर समुच्चय। तो अभी R के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? परिमेय भी आ रही हैं और अपरिमेय भी आ रही हैं, जबकि Q में कौन सी हैं? केवल परिमेय। तो इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा कौन सी है? अपरिमेय संख्या। तो जब अपन इनका अंतर समुच्चय निकालेंगे तो यहां लिखेंगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। केवल इनका समुच्चय अपन डाल देते हैं। तो इस तरह से अपन ये कहते हैं कि ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय R माइनस क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हुआ इसका 11th क्वेश्चन। अब जो अपना 12वां प्रश्न है वो ये कहता है सत्य और असत्य, ट्रू फॉल्स की बात करता है, कि जैसे अपने पहले में दे रखा है 2, 3, 4, 5 और 3, 6। ए सेट अपन कह दें 2, 3, 4, 5 और बी सेट में कह दे 3 और 6। क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है? तो इन दोनों में कोई ऐसा अवयव है जो इसमें भी पाया जा रहा है और इसमें भी, वो है 3। यानी तीन ऐसा अवयव है जो ई में भी है और बी में भी, तो इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 5। यानी ये 5 के बराबर यानी रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट भी नहीं, असंयुक्त नहीं है। यदि ये 5 हो जाता तो अपन कह देते कि हाँ ये असंयुक्त है। जैसे इसका अगला देखें ए ई आई ओ यू, यानी ए सेट अब अपना कौन सा दे दिया? वोवेल्स। और बी सेट में क्या दिए अपने अवयव? ए बी सी डी। और आपसे पूछा गया कि क्या ये असंयुक्त है, तो अपन जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी अपना क्या आना चाहिए? 5। लेकिन अपन यहां देख रहे हैं ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए आ जाएगा जो 5 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो इस तरह से अपन क्या देखते हैं, असंयुक्त समुच्चय पहचानना हो तो उनका इंटरसेक्शन लो। यदि इंटरसेक्शन लेने पर वो 5 आ जाता है तो अपन उसे असंयुक्त समुच्चय कह देते और नहीं आए तो नहीं कहते। जैसे इसी के चौथे में 2, 6 ए सेट अपना दे रखा है 2, 6, 10 और बी सेट जो दूसरा दे रखा है
उसमें अवयव है 3, 7, 11। तो क्या अब अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो आप देख रहे हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 2, 6, 10 और 3, 7, 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको कहेंगे ये असंयुक्त है। इस तरह से पहचानना होता है। तो उम्मीद है आपको अंतर समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, सम्मिलन यानी यूनियन और सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन समझ में आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।